गुड मॉर्निंग बच्चों, ये कक्षा 7 गणित का वीडियो भाग 34 है और आज की इस वीडियो भाग में हम प्रश्नावली 1.4 प्रश्न नंबर 7 को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 7 जो है आपका, एक उत्थापक किसी खान कूपक में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है ना। कोई खान है, कोई कोयला की खान है ना, तो उसमें जो है वो मजदूरों को ले जाने के लिए ट्रॉली बनी होती है, उसको उत्थापक कहते हैं। उसी में बैठ के मजदूर जो है नीचे की ओर जाते हैं और वहाँ खुदाई करते हैं। तो उत्थापक जो है 1 मिनट के अंदर जो है 6 मीटर नीचे जाता है। तो यदि नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है, अर्थात भूमि से है ना, जमीन से 10 मीटर ऊपर की ऊंचाई पर जो है उत्थापक है, वहाँ से वो नीचे जाना प्रारंभ कर रहा है। तो जो प्रारंभिक स्थिति है उत्थापक की वो कितनी है, उत्थापक की प्रारंभिक स्थिति जो है 10 मीटर है ऊपर की ओर। उसके बाद तो -350 मीटर पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा, अच्छा जो अंतिम स्थिति है उसे कहाँ पहुंचना है, -350 मीटर नीचे जाना है 350 मीटर। तो यहाँ से 10 मीटर से -350 मीटर पहुंचने में उसको कितना समय लगता है ये आपको बताना है। 6 मीटर जो है वो 1 मिनट में तय करता है। तो जैसे मान लो कि एक मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो यहाँ पर कोई है और उसे यहाँ जाना है, ये आपका 10 मीटर है और जो है ये 350 मीटर है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का पहले अंतर प्राप्त करना है, इनकी दूरी है ना, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है। और दूरी जब भी प्राप्त करना हो तो अर्थात हम अंतर प्राप्त करते हैं, घटाव करते हैं। तो हमने क्या किया, उत्थापक 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है, अर्थात 1 मिनट में तय की गई दूरी उसकी कितनी है, 6 मीटर, 1 मिनट में 6 मीटर। और अभी देख लेते हैं इनके बीच में कुल कितनी दूरी है। तो कुल दूरी हम प्राप्त करेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति का घटाव करके, क्योंकि हमें अंतर प्राप्त करना है, इस स्थान से इस स्थान तक के बीच में कितना अंतर है। तो जब हमने अंतर प्राप्त किया तो हमें कुल कितना मिलता है, 360 मीटर। तो हम उसे जो उत्थापक है उसे कुल कितनी दूरी तय करनी है, 360 मीटर। 10 मीटर से 350 मीटर जाने के लिए उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, 360 मीटर। पिछली कक्षा में हमने एक एक विधि का उपयोग किया था, तो एक एक विधि यहाँ पर आपको दो चीज़ें, एक दूरी है और एक समय है। तो हमें समय ज्ञात करना है कि वो 360 मीटर कितने समय में दूरी तय कर लेगा। तो जो जिसे आपको ज्ञात करना हो उसे आप दाईं तरफ रखेंगे और दूरी को बाईं तरफ। तो 6 मीटर, सबसे पहले 6 मीटर दूरी वो तय कर रहा है 1 मिनट में, तो 360 मीटर दूरी वो कितने मिनट में करेगा। तो ऐसे एक एक विधि में हम क्या करते हैं, इन दोनों का हमेशा गुणा किया जाता है और इसका क्या कर देते हैं, हम भाग कर देते हैं। तो हमें जो कुल समय कैसे लिखेंगे, हम 360 का गुणा 1 से करेंगे और 6 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। अब 360 और 6 का जब आप भाग करते हो तो 6 कम 6 यहाँ 1 होगा और 6 छंग 36 और ये 0 यहाँ लग जाएगा, तो 60 बचा। तो हमें प्राप्त हुआ 60 मिनट, और 60 मिनट अर्थात क्या होता है, 1 घंटा। तो जो उत्थापक है उसे जो है 360 मीटर की दूरी तय करने में 60 मिनट अथवा 1 घंटे का समय लगेगा। तो आज के इस वीडियो भाग में इतना ही। यहाँ पर जो है आपका पाठ नंबर 1 जो है प्रथम अध्याय जो है समाप्त होता है। आगे आने वाली वीडियो में हम द्वितीय अध्याय पढ़ेंगे। धन्यवाद।